ब्लशिंग नॉर्मल फेस पे करते हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज है नवरात्रि का पहला दिन, सो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबको ब्लेस करे। एंड आज का दिन बहुत स्पेशल है एंड बहुत ही गुड वाइब्स के साथ ये दिन स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट द डे विद मी। गुड मॉर्निंग, डू यू ब्रश यू वेल? ओके, नाइसली। यू टुक द रिमोट विद यू डू द ब्रशिंग, स्लो ब्रशिंग। हियर कैच इज डूइंग हिज ब्रशिंग। वो जल्दी उठ गया है आज और वो अपनी ब्रशिंग कर रहा है। पहले वो टीथ हर्ट नहीं होने चाहिए ना बेटा, तो ब्रशिंग नॉर्मल पेस पे करते हैं। और यहाँ मैंने नहा धो के पूजा कर ली है, अपना जो भी पाठ पूजा करना था नवरात्रि का वो पूरा कर लिया है। माता रानी का दरबार सजा दिया था सुबह सुबह। एंड इसके बाद मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया। बेडिंग आज मैंने नहा धो के पूजा करने के बाद करी है, सो हेयर आई एम डूइंग दैट। बेडिंग सेट कर दूँगी क्योंकि आज बेडशीट तो चेंज करनी नहीं है, तो जस्ट क्लीनिंग की बेडशीट बेडिंग सेट करके इसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। सो मीनवाइल क्यांच को भी नहलाना है। बेडिंग सेट करने के बाद मैं क्यांच को नहलाऊँगी और क्यांच को नहलाने के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आज की मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट कर दी थी और क्यांच भी जल्दी उठ गया है, तो आज जल्दी ही सब कुछ टाइमली सब काम हो जाएंगे। सो या मैंने यहाँ पर कंफर्टर सेट कर दिया है क्लीन करके, डस्ट आउट करके, सो इट इज़ ऑल सेट। और अभी क्यांच नहा के आ गया है। Wear it. Hello. मैंने इसे कपड़े चेंज कर दिए थे, स्वेटशर्ट उसे खुद पहननी थी, तो ही इज डूइंग दैट। आजकल वो अपने खुद कपड़े पहनने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, तो मैं कुछ उसे पहना देती हूँ कपड़े, बाकी कपड़े वो खुद से पहन लेता है। और यहाँ क्या कर रहा है, अपनी हेयर कॉम्बिंग, हेयर ब्रशिंग, सो ही इज डूइंग दैट। आफ्टर दैट उसने भी मंदिर में पूजा कर ली थी। और यह है क्यांच का नाश्ता, दाल रोटी और आमंड्स। और मैंने लिए आलू मेथी की सब्जी। क्यांच आलू मेथी नहीं खाता इसलिए उसे दाल दी है। उसके बाद ये कुछ फन एक्टिविटी कर रहा था। गुजिया बना रहे हो? गुजिया के नए मोल्ड्स आए थे आफ्टर होली, तो ये उसी के साथ प्ले कर रहा था। अपने प्लेटों से वो गुजिया की शेप बना रहा था, तो ही इज़ प्लेइंग विद इट। उसने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मोल्ड यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटों की शेप्स निकाली हैं, जो मुझे दिखा रहा था। एंड ही वॉज डूइंग सो परफेक्टली, वेरी नाइस। इसको कट करो साइड से। ओके, वेरी गुड। और साइड हो गया इधर तो, और दूसरी साइड में ये बता कैसे कट कर रहा है। परफेक्ट ट्रायंगल यू हैव मेड, वेरी नाइस। उसने ट्रायंगल की शेप बनाई थी और पर्टिकुलरली उसने एजेस को कट करके, आज उसको उसका अपना कटर नहीं मिल रहा था तो उसने टूथपिक लेके कट किया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थॉट। उसने एक और डिज़ाइन की गुजिया मोल्ड लिए, जिससे उसने एक और तरह का प्लेडो क्रिएट किया, उस पर डिज़ाइन भी बना हुआ, तो ही वॉज प्रिटी एक्साइटेड टू डू दैट। एंड दिस इज़ द लंच टाइम। मैंने राइस बना दिए थे जीरे वाले, साथ में येलो वाली दाल, क्यांच को बहुत पसंद है ये दाल, तो ये है क्यांच का लंच। और मैंने भी दाल राइस ही खाए थे आज। क्यांच ने खुद से खाना खाया है पूरा और ही इज शोइंग मी। गुड बॉय। ओके, कीप दिस प्लेट इन द सिंक। और एंड ही वॉज पर्टिकुलरली टेलिंग मी कि मैं उसके पापा को ये वीडियो सेंड करूँ और बताऊँ कि क्यांच ने खुद से खाना खाया और पूरा फिनिश किया है। पूरा खाना फिनिश किया है। गुड बॉय।
दिस इज़ द इवनिंग टाइम और मुझे लग रही थी थोड़ी भूख, तो मैंने अपने लिए स्नैक्स बना लिया था चाट टाइप, और इसके साथ मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, एंड दिस इज़ अ माय हॉट कप ऑफ कॉफ़ी जो मैंने शाम को लिया था। यहाँ पर बास्केटबॉल के साथ कैश प्ले कर रहा है। बास्केटबॉल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ टारगेट नहीं करना होता बॉल को, इसमें पेशेंस लेवल का भी टेस्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन का भी लेवल चेक होता है, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। सो इससे बच्चा कॉन्सेंट्रेशन भी सीखता है एंड पेशेंटली किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश भी करता है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर फिजिकल एंड फॉर द मेंटल ग्रोथ। सो या कैश वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, समटाइम्स बास्केट हुई समटाइम्स नहीं हुई, बट ही वॉज ट्राइंग। एंड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट कैश ने अपने टॉयज़ के साथ प्ले किया, वो कुछ एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग दैट। अभी कैश के पापा ऑफिस से आ गए, इट्स नाइट टाइम, तो वो उनको सरप्राइज़ देने के लिए थोड़ा साइड में छुप गया है, एंड ही नोज़ दैट कि कैश पीछे है। और कैश हमेशा अपने पापा को एवरी डे उनके पैर छूता है और उनको हक करता है जब भी उसके पापा उसके अपने ऑफिस से आते हैं। एंड यहाँ पर कैश मुझे कुछ फ्लिप्स करके दिखा रहा है जो बहुत अच्छे से कर रहा है। वेरी नाइस। इसके बाद कैश ने बनाया है अपना एक रोड ट्रैक और बेड के ऊपर, और वहाँ पर कार्स पार्क करी हुई है उसने अपने तरीके से, विच आई कांट टच। What is that? पानी की आवाज है। ओके, शेकिंग ऑफ द स्टमक। कैसी हिल रही है आपकी बोन? ऐसे हिलती है बोन? ये है आज का डिनर, पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी विद रोटी। इसके बाद मैंने क्लोथ्स शाम को फोल्ड करके रखे थे बट उनको सेट नहीं करने का टाइम मिला था, तो आई एम डूइंग दैट। सब असाइन बास्केट्स में मैंने सारे क्लोथ्स सेट कर दिए एक एक करके, जो भी जिसमें बास्केट में मैं रखती हूँ जो भी क्लोथ्स, तो हियर आई एम डूइंग दैट। क्लोथ्स को सारी सेग्रीगेटेड बास्केट्स में डालने के बाद मैंने उनको फर्दर फिर से अलमिराज में अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया था, तो मेरे क्लोथ्स भी सेट हो गए थे इसके बाद। सो सारे क्लोथ सेट करने के बाद उनकी बस असाइन बास्केट्स को अपनी अपनी प्लेसेस पर रखने के बाद मेरा ये काम भी डन हो गया था। डिनर ऑलरेडी हमने कर लिया था, और ये है हलवा जो माता रानी के भोग के लिए बनाया था, तो उनको भोग लगाने के बाद हमने हलवा खाया। मैंने कैंश को भी दिया, कैंश को हलवा बहुत पसंद है ये सूजी का, उसने खाया, फिर थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था। नेक्स्ट डे के लिए आमंड सोक करने के लिए आज मैंने कैंश को दिए कि वो खुद काउंट करके निकाले और सोक करे। इसमें सोक करो, पुट इट इन द वाटर, ऑल थ्री, हाँ ठीक है। ये हम कल मॉर्निंग के लिए हो गए, ये माउंटेन आपने कल बनाया था ना बेबी? भैया के सामने, हाँ भैया के सामने है ना। अभी परसों कलर करोगे इसे अभी? उसके बाद ये उसने एक प्रीवियस डे ड्राइंग बनाई थी माउंटेन की, तो उसे कलर करने का मन कर रहा था, तो ही इज डूइंग द कलरिंग टुडे। अच्छा, मुझे पता चल गया, ये इधर का ब्राउन होता है पार्ट, और ये तो ये जो है बनाना, ये होती है, ये तो ग्रास होती है उसकी। ओके, हाँ माउंटेन पे ग्रास भी होती है, वेजिटेशन भी होती है ना। हाँ
आप सोच रहे हो ऐसे, आपसे कह रहा हूँ ओके, लाइट होता है अच्छा, मैं डार्क ग्रीन करो। माउंटेन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं बेबी, गुड वर्क, थैंक यू, वेलकम। वापस कलर्स बॉक्स में डाल रहे हो, वेरी गुड। आज उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, बहुत सारा फ़न प्ले किया है और बहुत सारा उसने आज अपना टाइम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड किया है। एंड यहाँ पर क्या मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुझे हॉलीडेज में उसको नानी के हाउस छोड़ना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अपने साथ रखने के, तो ही वॉन्ट्स टू गो टू नानी हाउस। अम्मा पाँच भी तो रहोगे घर पे, उधर स्कूल तब ओके ओके। और होल डे एक्टिविटीज करने के बाद क्या बहुत थक गया था और थक के वो टाइमली सो गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन बिलो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।